हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के एम फेज को, जो कि क्लास 11th बायो का टॉपिक है। इससे पहले हमने इंटरफेस को कवर कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एम फेज का मतलब है माइटोसिस फेज। अब माइटोसिस फेज जो है ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल है। क्यों है ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल? क्योंकि इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होती है ऑल दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल्स की। जितने भी सेल के कॉम्पोनेंट हैं उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होती है, इसलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहा जाता है। साथ ही में इसमें इक्वेशनल डिवीज़न होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल के और प्रोजेनी सेल के, वो बिल्कुल सेम रहते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है। ये चार भागों में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको हम याद रख सकते हैं PMAT की फॉर्म में। किस फॉर्म में? PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज क्या है? ये सबसे फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस फेज की। इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसकी कंडेंसेशन होती है और वो अनटेंगल्ड हो जाते हैं। देखो आपको नीचे दिखाई दे रहा है दो, दैट इज़ अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम की वो थोड़ी कम हुई है और लेट फेज में थोड़ी ज़्यादा हो गई है। देखो आपको दिखाई दे रहा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो भी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, राइट? ये थी प्रोफेज। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ। प्रोफेज हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। फिर मेटाफेज आते हैं। मेटाफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें से दो तीन पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड याद रखने के हैं। दैट इज़ कि मेटाफेज में आपको जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है एम फेज में, मेटाफेज में। फिर हमारे पास आता है उसके बाद एनाफेज। अब एनाफेज क्या है? एनाफेज में आपको देखो दिखाई दे रहा है, मेटाफेज में तो क्रोमोसोम साथ साथ में थे, लेकिन एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम क्या कर गए, क्रोमोसोम स्प्लिट कर गए, दो भागों में टूट गए। आपको दिखाई दे रहा है कुछ क्रोमोसोम्स ऊपर वाली साइड को चले गए और कुछ क्रोमोसोम नीचे वाली साइड को। और जो आपको एक सेल दिखाई दे रही है एम फेज की, वो काफ़ी इलांगेट हो चुकी है, दिखाई दे रही है सबको। फिर टीलोफेज में क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डीकंडेंस हो जाएगा और साइटोप्लाज्म अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर देगा। एंड हमारे पास टू डॉटर सेल्स बन के आ जाएगी, जो कि इंटरफेस कहलाएगी फिर बाद में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।